देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले कंसेप्ट समझ लो। H2O2 दिया हुआ है आपको और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट ऊपर वाली रिएक्शन में, दूसरा पार्ट नीचे वाली रिएक्शन में, ठीक है। और उसकी यील्डिंग इस 40% दे रखी है और नीचे वाली की यील्डिंग 50% दे रखी है। और यहां एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही अलग अलग रिएक्शन है। यहाँ H2O2 अपने आप में आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो यहाँ H2O2 अपने आप में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि यहाँ KMnO4 H2O2 का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी H2O2 KMnO4 का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 कैन बी रिएक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों तरह से यूज हो सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। सामने अगर KMnO4 और K2CR2O7 है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, और सामने I माइनस है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। कुछ समझ में आया, इज दैट क्लियर? तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट आया, मैंने इसको फिजिकल में यूज कर लिया, न्यूमेरिकल बना दिया। मेरे पास क्या दिया गया है, 100 ml H2O2 सैंपल है, ठीक है। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकदम से वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, किसी भी पार्ट में हो सकता है, 40 60 60 40 30 70, आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इसलिए फर्स्ट पार्ट वाज ट्रीटेड विथ KI एंड KOH प्रोड्यूस, यानी KI के साथ है और KOH प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म रिक्वायर्ड 200 ml ऑफ Mi2H2SO4 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अदरवाइज। तो यानी मुझे ये पता चल जाएगी कि KOH कितना बना है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ इसके अंदर कि KOH कितना बना है, तो कितना H2O2 यहाँ कंज्यूम होगा। हाँ तो देखिएगा, तो मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत इजीली बना दिया जाए, पाले वाले पार्ट को। KOH जो बन रहा है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H2SO4, अलग से रिएक्शन जो कि दी नहीं गई है, अपन को खुद को बनानी पड़ेगी। KOH प्लस H2SO4, K2SO4 प्लस H2O, ये आपके पास अदर रिएक्शन हो गई जो दी नहीं गई है थी, ठीक है। तो बताइए H2SO4 के कितने मोल है हमारे पास, मोलरिटी 1/2, 1/2 तो मोलरिटी है, और वॉल्यूम कितना है, 0.2, यानी कि 0.1 मोल है H2SO4 के। मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल होता है, कुछ समझ में आया। ये किसके मोल है, H2SO4 के। मुझे KOH के मोल कितने मिलेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई बाय जिसके मोल निकालने हैं उसका कोफिशियंट ऊपर, जिसके मोल दिए हैं उसका कोफिशियंट नीचे, 0.2। कुछ समझ में आया, ये मोल किसके हो गए, KOH। क्या ये एक आंसर है हमारा, हाँ, क्योंकि उसने यही पूछा है मोल्स ऑफ KOH प्रोड्यूस, इज दैट क्लियर। अच्छा, KOH के मोल मालूम पड़ गए तो H2O2 के मोल भी मालूम पड़ सकते हैं, पूछा नहीं गया लेकिन निकाल तो रख लेते हैं। H2O2 के मोल फर्स्ट रिएक्शन में कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इतना होगा। लेकिन यील्डिंग कितनी दे रखी है, 40%। तो अगर हम इधर जाते हैं, इधर से इस तरफ, तो 40/100 करते हैं, लेकिन इस तरफ जाते हैं तो 100/40 करते हैं। ये हमारा पुराना कंसेप्ट, 100/40 करते हैं हम। तो ये हमारे पास कितना होगा, 0, ये 2 क्रॉस हो गया, तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्रॉस होने के बाद कितना आ रहा है, 1/4, यानी 0.25। कुछ समझ में आ रही है बात, तो 0.25 मोल हमारे H2O2 के कंज्यूम हुए पहले यानी फर्स्ट रिएक्शन में। और हमें फर्स्ट रिएक्शन से कोई काम नहीं है, सेकंड रिएक्शन को पकड़ते हैं। यहां तक तो हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, अदर पार्ट का मतलब सेकंड पार्ट वाज ट्रीटेड विद जस्ट सफिशियंट KMnO4 यील्ड, इतना यानी 6.74 लीटर ऑफ O2। तो अब आप मुझे बताएं सेकेंड रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ O2 कितना दे रखा है, 6.74
74 लीटर। तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 6.74 डिवाइडेड बाय 22.4, क्योंकि एसटीपी पे दिया हुआ है, आप 22.4 डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हुआ मोल ऑफ O2, हाँ या ना। अब मोल ऑफ O2 से मुझे वर्क करना पड़ेगा किसके ऊपर, सबसे पहले तो KMnO4 कितना जनरेट होगा ये पूछा जा रहा है, मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम, ये KMnO4 है, तो चलते करते एन KMnO4 कितने मोल हैं इसके, 6.74 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय KMnO4 के निकालने, तो क्या करेंगे, और O2 के दिए हुए हैं 2/3 या 3/2, 2/3, जिसके मोल निकालने हैं उसका कोफिशियंट ऊपर और जिसके दिए गए हैं उसका नीचे, तो कितना होगा ये 2/3, पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया अच्छे से 2/3। उसने यील्डिंग कितनी दे रखी है 50%, तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 50/100 करते हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो क्या करोगे आप 50/100 मोल हो गए KMnO4 के, और कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो ये कितनी बार कट रहा है आपके पास, 2 times, तो 2 से ये कट गया, ये आपके पास KMnO4 कैसे काटेंगे हम इसको, 3 से अगर ये काटा तो मेरे पास आ जाएगा ये 2.25 ही मान लेता हूं मैं, 2.25, हाँ या ना। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे पास ऑक्सीजन के मोल है, मैंने 2/3 किया, एल्डिंग दे रखी है, मैंने KMnO4 के निकाल दिए, ये मोल आ रहे हैं आपके पास, हमसे मोल ही पूछ रहा है, मोल ऑफ KMnO4, सही है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, और हमारे पास कितना आ रहा है, ये अगर हमने क्रॉस किया तो ये लगभग आपके पास कितना हो जाएगा, 10 times कट जाएगा लगभग, लगभग मोटा मोटा, तो 1/10 कितना होता है 0.1, तो KMnO4 के कितने बने 0.1 मोल, बोलो यस और नो, KMnO4 के मोल आ चुके हैं। तो आपको यहां पर H2SO4 कितना कंज्यूम होगा, H2SO4, तो सोच के देखिए H2O2 के यहां कितने कंज्यूम होंगे, इसके कितने कंज्यूम हुए 0.1, इससे इसमें लगा लो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना हो गया ये 0.05, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी। यहां से यहां जाने पे परसेंटेज यील्डिंग का कोई रोल नहीं होता, यहां से यहां जाने पे भी नहीं होता, ठीक है ना, हमने यहां से यहां आ गए हमारे पास पॉइंट। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में टोटल मोल ऑफ H2O2 इन बोथ द रिएक्शन कितना यूज होगा, NH2O2 टोटल कितना यूज हो जाएगा, सही है। एक बार और चेक कर लो आप, ठीक है, देखो ध्यान से, गलती यहां कर रखी हमने, एक बार और सही करो, ये कितना आएगा 100/50 आएगा ना, इस तरफ से जब हम आए थे तो 50/100 करते, यहां से यहां जाएंगे तो कितना होगा 100/, हाँ, तो KMnO4 के निकालने और O2 से इस तरफ जा रहे हो तो 100/50 होंगे, तो 100/50 होंगे ये 2 times, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4, और H2O2 के 0.4 का हाफ कितना हुआ 0.2, तो NH2O2 कितना होगा 0.2 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.45 मोल्स आएंगे।